तो अगर जो रूमर्स आ रहे हैं वो सही है, यानी कि इफ रूमर्स कम ट्रू तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनने वाले हमारे WWE चैंपियन, वो भी रेसलमेनिया से पहले। इवेंचुअली इसका मतलब ये भी कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का काफी जल्दी रीमैच होने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोड टू रेसलमेनिया हम लोग काफी जल्दी स्टार्ट करने वाले, रॉयल रंबल से वो शुरू हो जाएगी। लेकिन लग रहा है भाई वो रोमन रेंस के लिए थोड़ी दिक्कत वाली होगी, क्योंकि सेथ रॉलिंस ले सकते हैं रोमन रेंस के पास ही चैंपियनशिप, और वो भी रेसलमेनिया से पहले। इसका मतलब समझ रहे हो, एक आउट ऑफ नोवेयर ट्विस्ट आने वाला है और काफी जल्दी रोमन रेंस डिथ्रोन होने वाले क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है। क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ द रॉक और सेथ रॉलिंस नहीं बल्कि कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर भी इंक्लूड होंगे, और भी काफी सारी अपडेट्स इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो मेन अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले रॉयल रंबल 2023 को लेकर कुछ बड़ी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंट हमें WWE वालों ने जो रॉयल रंबल 2023 का पोस्टर है वो चेंज कर डाला है। जो न्यू पोस्टर आया सामने वो आप लोग देख पा रहे होंगे। आई नो काफी लोगों ने जो चेंज है वो स्पॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा है तो केविन ओवन सब आगे आ गए, जबकि पिछले वाले पोस्टर में हमारे काउबॉय ब्रॉक लेसनर आगे थे। हां पे फिलहाल मेरे हिसाब से फाइनल पोस्टर तो नहीं है, ये जस्ट एक टिकट सेलिंग वाला प्रमोशनल पोस्टर है, काफी जल्दी WWE से भी चेंज करती हुई नजर आएगी। लेकिन केविन ओवन्स को रोमन रेंस को आगे रखने का मतलब सिंपल एंड क्लियर है कि WWE रोमन रेंस एंड केविन ओवन्स के मैच के साथ जाने वाली है एट रेसलमेनिया नहीं बल्कि रॉयल रंबल 2023 के अंदर। अब रॉयल रंबल के अंदर WWE जब ये मैच करवाएगी, आई थिंक ये मैच के अंदर कोई ना कोई स्टिपुलेशन ऐड होने वाली है, जब केविन ओवन्स को एक और मौका मिलने वाला है। अब चलो बात करते हैं एक और मैच के बारे में, जो कि WWE वालों ने इवेंचुअली स्पॉइल कर डाला कि हां भाई ये मैच होके रहेगा, और ये वही ब्लैक पिट वाइट वाला मैच है जो कि ब्रे वाइट को लेकर ऑलरेडी रूमर था कि भाई WWE अलग से यहां पर मैच करवाने के बारे में सोच रही। तो होता कि रीसेंट टाइम में एक माउंटेन ड्यू की जो एड है WWE उसे करके एक आई इमोजी पोस्ट करते हो देख पा रहे हो, यहां लिखा होता कि कुछ भी हो सकता है जब द ब्लैक फाइट पिच एक तरह का ऐसा कुछ जो मैच है WWE करवाएगी, पूरा उसका एग्जैक्टली नेम है द पिच ब्लैक मैच। और यहां पर ऑफ कोर्स इसके अंदर जो ब्रे वाइट है उनका कोई ना कोई इंक्लूड होने वाले। तो देखते हैं WWE रॉयल रंबल के अंदर इस मैच में क्या करवाते, क्योंकि अभी ये बात तो WWE वालों ने खुद भी ऑफिशियली कंफर्म कर डाली है। बात करते हैं हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉयल्स के बारे में। हां इस वीडियो में सेथ को लेकर दो अपडेट है। पहली अपडेट है कि WWE के रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर सेथ रॉयल्स और थ्योरी का मैच होना था, लेकिन होता कि सेथ रॉयल्स यहां पर पहुंच पाते नहीं और WWE वालों को इवेंचुअली जो मैच है वो चेंज करना पड़ा, और फिर शो का मेन इवेंट होता है थ्योरी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जॉनी गार्गानो, और ये मैच होता है ट्रिपल थ्रेड मैच, वो भी स्टील केज के अंदर फॉर दैट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब बताया जा रहा भाई इस मैच में ऑडियंस वालों ने हल्ला मचा डाला, उन्होंने वी वांट सेथ रॉलिंस की मैसेज चैंट की। तो फाइनलिस्ट को लेकर जो सेथ रॉलिंस है वो एक ट्वीट भी करते हुए नजर आए, फैन को रिप्लाई देते हुए उसका स्क्रीनशॉट दे आप लोग देख पा रहे हो, कहते हैं आई डिड, आई एम वेरी सॉरी, वी ट्राइड बट एट द टाइम बस ब्रोक डाउन ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड वी हैड नो अदर रिकोर्स, यानी कि भाई सेथ रॉलिंस आने का पूरे तरीके से ट्राई किया लेकिन जो उनकी बस जिसमें वार थे ब्रेक डाउन हो गए रास्ते में, ये वो रीजन है सेथ रॉलिंस नहीं पहुंच पाए। लेकिन भाई जो क्राउड का सपोर्ट है वो सेथ को लेकर बहुत मैसिव बताया जा रहा है, जो क्राउड है वो वी वांट सेथ रॉलिंस के कुछ इस तरीके से चैंट्स करते हुए नजर आए थे। ऑफ कोर्स लॉन्ड का क्रेज तो कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का है। लेकिन चलो बात करते हैं आज की हमारी मेन एंड फाइनल मुद्दे के बारे में, रेसलमेनिया 39 के बारे में जुड़े हैं, और लग रहा है सेथ रॉलिंस के फैंस की चांदी चांदी होने वाली है, क्योंकि सेथ रॉलिंस बन सकते हैं WWE चैंपियन, वो भी रेसलमेनिया 39 से पहले। अब देखो होता क्या, पहली अगर आपको याद होगा ज़ारिन न्यूज़ ने अपडेट दी थी कि भैया हमें दो चैंपियंस देखने के लिए मिल सकते हैं रोड टू रेसलमेनिया को लेकर, तो इसको लेकर फाइनल एक अपडेट आई है सामने, और ये अपडेट आई है wrestlingnews.co की तरफ से। wrestlingnews.co का ये मानना है कि जो रेसलमेनिया 39 के नाइट 1 और नाइट 2 का होने वाला ना मेन इवेंट, इसके अंदर WWE टाइटल और यूनिवर्सल चैंपियनशिप इंक्लूड होगी, लेकिन नाइट 1 के ऊपर रोमन नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। जो स्पॉयलर्स आए सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर भाई जो WWE चैंपियनशिप मैच होने वाला है नाइट 1 के ऊपर पॉसिबली वो होगा या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, या फिर कोडी रोड्स होंगे सेथ के खिलाफ, या फिर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होने वाला है नाइट 2 के ऊपर। लेकिन अगर रॉक नहीं आते तो जो कोडी रोड्स है उनका स्पॉट लेते हुए नजर आएंगे। कहने का मतलब ये कि WWE जो मेन मैच प्लान कर रही है वो होने वाला है, एक तो देखो रॉक आ गए तो ऊपर मेरे हिसाब से सेथ वर्सेस ड्रू की जगह सेथ वर्सेस कोडी होने वाला है। बाय चांस रॉक नहीं आ पाए तो WWE सेथ और ड्रू नाइट 1 के ऊपर करवा देगी, और नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होने वाला है फॉर दैट यूनिवर्सल चैंपियनशिप। हां मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप कह रहा हूं क्योंकि रोमन रेंस बताया जा रहा है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं रहने वाले, और रोमन के पास से वो जो टाइटल है वो हमें जाती हुई नजर आएगी, और सेथ रॉलिंस जो हमारे हैं वो न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। अब देखो मेरे हिसाब से सेथ के फैंस के लिए तो काफी क्रेजी न्यूज़ है। मेरे पास ये डाउट है कि भाई ये सेथ रॉलिंस अचानक से चैंपियन बनेंगे कैसे, क्योंकि रॉयल रंबल WWE का एक बड़ा शो है, आप वहां ऐसा कुछ करवा नहीं रहे कि WWE वाले ऐसे कुछ स्टोरी लाइन आने वाले टाइम में दिखा पाए कि भाई रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होने जा रहा है। लेकिन फिर भी आप अगर सेथ रॉलिंस को अचानक से चैंपियन बनाते हो तो आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर इज द ओनली प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि बचता है, जहां पर WWE हमें टाइटल चेंज करते हुए नजर आएगी। देखो भाई क्या होता है, WWE ने अगर प्लानिंग की होगी तो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होने वाला है कि रोमन
रॉलिंस अपनी एक जो चैंपियनशिप है वो रेसलमेनिया से पहले हार जाए। बाकी आपके हिसाब से क्या ये ट्विस्ट आना चाहिए, क्या सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए और क्या जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया से पहले एक चैंपियनशिप अपनी हारते हुए नजर आए? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर डालो। आई थिंक ये काफी बड़ा ट्विस्ट होने वाला अगर सही में हो जाता है, इफ रूमर्स कम ट्रू वाली चीज जरूर यहां पर होगी। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।